गुरु प्यारी सत्संग जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज समुची श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप मोहाली च बलबीर सिद्धू जो मंत्री है उहदे घर दे सामने धरना देने वास्ते आपां इकट्ठे हुए हैं। मैनू कोई तकरीबन 30 साल हो गए सियासत विच। बड़े स्कैंडल मैं देखे है, वड़े वड़े स्कैंडल भी आए है, पर मैं किसे मंत्री सरकार नू लोकां दी जनता दी जाना ते स्कैंडल करदे नहीं देखिया। लोकां नी एक पासे लोक मर रहे हैं, दूजे पासे मंत्री पार्टी मुख्यमंत्री बचाउण वालियां दवाइयां ते पैसा कमाउण ते लगे। कोरोना महामारी तकरीबन एक साल सवा साल पहले शुरू हुई, एक साल दे आपां पूरा दुनिया जूझ रही है इस बीमारी दे नाल, लड़ाई लड़ रही है। मैं एक साल देखिया सारे मुल्कां दे राष्ट्रपतियां नूं देखिया, प्रधानमंत्रियां नूं देखिया, उह कुन्नां ने किवें लड़ाई लड़ी। जे तुसी एक साल टीवी देखते होंगे लगातार तो देखिया होना, अमरीका वर्गे राष्ट्रपति ट्रंप हुंदा सी हर रोज टीवी ते हुंदा दसदा सी कि किवें लड़ रहे हैं, की कर रहे हैं, की किवें सहूलतां बना रहे हैं, की करना चाहिए। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, जर्मनी की चांसलर, फ्रेंच प्रेजिडेंट सारे हर रोज अपनी जनता नूं हौसला दिंदे सी, दसते सी। पर मैं एक गल देखी, पंजाब का मुख्यमंत्री कल्ला अमरिंदर सिंह है जिन्हें परवाह ही नहीं की। मुख्यमंत्री का काम है अगवाई करनी। मैं हैरान हाँ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आप नूं फौजी कहिंदा है। फौजी वह होंदे है जिहड़ा अपनी जान तली ते रख के अपने देश वास्ते लड़ाई लड़दे है। फौजी वह नहीं होंदे जिहड़ा सारे घरे लुक जान, कमरे च वड़ के लुक जान ते लोकां नूं कहे तुसीं लड़ाई लड़ो। मैं कहना कैप्टन दा नाल जिहड़ा कैप्टन ना लिखिया ना, कैप्टन वह ला देना चाहिए। 1.5 साल हो गए फार्म हाउस तो बाहर नहीं निकले। फार्म हाउस आ जड़ी वैक्सीन का घोटाला जिथे आप अज इकट्ठे हुए हैं, पूरे देश के विच हाहाकार मच गई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने इन्ना माड़ा काम किया। सारे हैरान है। हिंदुस्तान के कई सूबे तो मैनू टेलीफोन आए है कि सच्ची कैप्टन ने आ किया है, पैसा कमाउण दा साधन बनाया। मैं इन्हां दे बलबीर सिद्धू दा एक बयान सुनिया, कहिंदा साडे कोले खजाने च पैसा है नहीं ते असीं सोचिया थोड़ा पैसा कमा लईए। लोकी मर रहे हैं, तुसीं पैसा कमाउण ते लगे हो। 150 करोड़ रुपया कल्ले अपने इश्तिहारां ते इस साल रखिया कैप्टन ने, ते रोज आ रहे हैं। रोज एक कैप्टन की फोटो नाल एक आ जांदा नरोआ नराया बंद की लिखिया उन्होंने पंजाब। मैला लिखना चाहिए नरोआ नरोया कांग्रेसी ते इन्हां दे मंत्री। ये इतों माड़ी गल है, तुसी इंजैक्शन ते लोकी मर रहे है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सानू तालमेल असी कीता कि असी मुफ्त लैना है, असी लाउणे आ मुफ्त, कहिंदे 1000 कोई 1060 रुपये भेजो। आ तां हालात है।
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुफ्त ला रही है पर आ पैसे कमाते लगे है। मैं डेढ़ महीना हो गया मैं कहते कैप्टन सरकार कि जिन्हें प्राइवेट हस्पताल है पांच पांच छे छे सात सात लाख एक मरीज तो ले रहे हैं कैप्टन ने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा एम्बुलेंस 25-25 हजार रुपये पेशेंट ले जाने ले रही है कैप्टन ने कुछ नहीं किया। मैं क्या कि जिहड़ी इंजेक्शन है जिहड़े 500 रुपये का इंजेक्शन 1000 रुपये का इंजेक्शन है 60-60 हजार रुपये ब्लैक चल रहा है सरकार ने कुछ नहीं किया। दवाइयां मिल नहीं रही सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया। बयान ही नहीं आया फिर असी समझिया कि असी अपनी जिम्मेवारी संभालिए असी पंजाब दी लोकां नूं इस औखी घड़ी च कल्ले नहीं छड़ सकदे। मैं धन्नवादी हां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिन्होंने कोविड सेंटर खोलने शुरू कर दिते। तुसीं देख लो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोले एक कॉलेज है मेडिकल कॉलेज उस मेडिकल कॉलेज चो 150 डॉक्टर ते 250 नर्सेस कट के आ सेंटर खोले ते आज सेवा असली सेवा कर रहे सेवा कर रहे। पंजाब सरकार नूं मैं बेनती कीती सी कि 14,000 जानां नहीं जाणगियां जे तुसीं हर ब्लाक विच कोविड सेंटर खोल दिओ पर क्योंकि इन्हां नाल रले सी सारे पैसे कमाउण दा साधन प्राइवेट ना बणिआ सी करोड़ां रुपये बलबीर सिद्धू ने खा ले कई प्राइवेट हस्पताल मैं ना नहीं लेना चाहता पर मैं तुहानूं दस्सां करोड़ां रुपये खा ले इन्होंने करोड़ां रुपये जानां ते आ नाल चंडीगढ़ चंडीगढ़ ने सरकारी रेट कढ़िया जी अपना मेरे को कागज़ इत्थे तुहाडे कोले सरकारी रेट कि 2,000 रुपये कमरे का रेट होगा प्राइवेट हस्पताल 2,000 2,500 रुपया जे ऑक्सीजन का बैड चाहिए मतलब 2,500-3,000 रुपया वेंटिलेटर का तो इतने 25,000 रुपया कोविड बीमारी 2-3 तक गोलियां खानियां पैंदियां बाकी टाइम तो तुम मंजे पर ही पैना होना तो 25,000 किस वास्ते। महाराष्ट्र बंबई जिहड़ा कमिश्नर है मुंबई कारपोरेशन का अपना सरदार भरा है मैं उन्हें टेलीफोन किया पंजाब का मैं क्या थोड़े सिस्टम तुसी किवें कामयाब होए मैनू कहन लग्या जी असी क्योंकि वह कमिश्नर है कारपोरेशन का सारा हेड हो ही है मुंबई कारपोरेशन का कहिंदा असी आर्डर पास करता महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिन्ने प्राइवेट हस्पताल मुंबई के है सारे अपने थले कर लिया कोई प्राइवेट हूँ बेड आप नहीं कर सकता फीस नहीं जा सकता सारा गम ने अपने थले कर लिया तो देखो कहना किवें असी जाना बचा लिया। हुण लोकी नूं पता सी कि जे असी बीमार होना सीधे इत्थे चले जाओ उत्थे चले जाओ असी सिस्टम ऐसा बनाता कोई लुट खत्म कर दिती नाले वड्डी गल तुसी देखो बंबई कारपोरेशन ने 600 करोड़ रुपया कट के वैक्सीन खरीद भी ले 600 करोड़ रुपए कट के वैक्सीन एक कारपोरेशन ने ते पंजाब सरकार तो कहती अच्छी तो दवानी नहीं लानी ए तो 500-400 तो लैके 1,000 बेची चलो 600 कमावे अपना अपनी कैप्टन की फोटो लवेंगे नरोआ कैप्टन दिखा देंगे बड़ा नरोआ नरोआ 5 साल तो नरोआ हो गया कैप्टन तो बलबीर सिद्धू आ हालात आ सरकार है मैं शर्म आती है कहते कि पंजाब का मुख्यमंत्री देखो पंजाबियों का किड्डा वड्डा नाम दुनिया चला गया पंजाबियों का नाम अपनी कौम का चला गया कि सेवा विच लंगर सेवा च पूरे देश में आप सेवा की ऑक्सीजन की सेवा आप की हुण लोकी कहते यार थोड़ा मुख्यमंत्री तो इतने अपने सूबे में ही लुटन लगे। मैं तुम्हें एक होर दसा कल आ नहीं एक नवा स्कैम बलबीर सिद्धू ने होर कढ़ लिया आ जड़े फतेह किट है आ जड़ी फतेह किट है मैं कहना जो लुटते हैं ना बगैर सोचे समझे लुटते ए लगता है इन्हों कि सानू पढ़े तो जाना नहीं कानून की धज्जियां उड़ाते हैं आ फतेह किट लितियां जिहड़ियां तुसी आपां नूं कोरोना वास्ते 50 दिनों के अंदर अंदर 4 टेंडर किए 4 टेंडर इन्होंने पहला टेंडर किया
टेंडर संगम मेडिकल स्टोर है कोई, ओदी बिड आई तकरीबन 840 रुपए दी बिड आई, लोस्ट बिड। पर जो नेगोशिएट किया 3 अप्रैल उन्होंने देता लॉट करता 940 ते 100 रुपए वध ते उन्होंने लॉट करता, ओदी बिड 840 दी आई ते दे दिता 940। फिर देखे इन्होंने कि होर भी पैसा बन सकता है, उन्होंने फिर थोड़े जे लिते, फिर कहिंदे एक होर टेंडर करो। उन्हें 3 तरीक नूं अलॉट किया, 20 तरीक नूं होर टेंडर करता ते ओ टेंडर 1250 रुपए च फाइनल 5-7 दिनां च 1250। ते हुण कंपनी लभ गई ग्रैंडवे इनकॉरपोरेशन लुधियाणे दी। फिर उन्हों 10 दिन बाद देखा कि इन्ना ज्यादा नहीं दे रहा, 10 दिन फिर तो एक टेंडर उत्थे ही कढ़ दिता, वो कंपनी ने रेट बढ़ाता 1236 च, उन्होंने दे दिता 1340 च। ते कंडीशन की सी टेंडर दी? कंडीशन सी कि वो कंपनी बिड कर सकती है जिदे कोले मेडिकल लाइसेंस होए, क्योंकि दवाइया का काम है मेडिकल लाइसेंस होए। जिहड़ी आ कंपनी है ग्रैंडवे इनकॉरपोरेशन जिन्हां नूं 17-18 करोड़ रुपए दा दवाइयां देता, वो कपड़े बेचती है, मेडिकल लाइसेंस ही है नहीं, मेडिकल लाइसेंस है नहीं, कपड़े बेचती है। जिंदगी च उन्होंने ऑक्सीमीटर नहीं देखा, उन्होंने डोलो दवाई नहीं देखी, उन्होंने देता सारा कुछ एक 1.5 महीने जिथे करने। ये तो वड लुट की हो सकती है दवाइया तो लैके। अच्छा जो ऑक्सीमीटर थोड़े भेजे है, तुसी 4 ला लो इन्हां दे, एक उंगल च होर दसूगा, दूजी उंगल च होर दसूगा, तीजी उंगल च होर दसूगा। मतलब अद्धे बंदे नूं जिन्हों ऑक्सीजन की लोड़ ही नहीं, उन्होंने ऑक्सीजन दवा दी है। आ तो हालात है। बलबीर सिंह सिद्धू किवें बचूगा? बलबीर सिद्धू साहब मैं लगता घरे बैठा होना, आवाज सुनता होना, कैप्टन तो बचा लूगा, कैप्टन की आदत क्लीन चिट गंग कट्ठे रले है सारे। पर 6 महीने बाद बलबीर सिद्धू नूं कौन बचाऊगा? मैं थोनू एक गल दसा, सब तो वड्डा लुटेरा डाकू जे है इस मिनिस्ट्री बलबीर सिद्धू है। मेरे को 10 होर घपले पूरे पे ये 10। मैं सोचा हर हफ्ते सोमवार को घपला दसया करूंगा बलबीर सिद्धू का। तुसी मैं मेरे को अगले हफ्ते मैं बलबीर सिद्धू का होर कढ़ूंगा। तो मेरी क्या सरकार दे, तुसी हैरान हो, हुण तां अफसर ने सीधा लाइन ही बनती है देने वास्ते, रोज दसी जांदे जी इन्हें मिनिस्टर ने आ घपला किया, साडी मजबूरी आ किया किया, सारे उन्होंने पता है कि आ बेड़ी तो गई। तो थोनू पता है जदों जहाज डुबदा है तो चूहे सारे छाल मार लैंदे, कांग्रेसी हुण सारे आप ही दसी जांदे है कि बलबीर सिद्धू ने आ किया, इस मंत्री ने आ की, इस मंत्री ने आ किया। मैं अगले हफ्ते एक दसूंगा स्कैम जिहड़ा तुसी हैरान रह जाओ कि वड्डी लुट्ट इन्होंने बनाई है। कैप्टन साहब तुसी बचा नहीं सकते किसी नूं, तुसी मुख्यमंत्री हो, कल्ला कहना कि सानू पता नहीं अफसरां ने किया। चीफ सैकटरी अज चला कौन रहा इसला सरकार? चीफ सैकटरी ते उहदा घर वाला डीजीपी, ते चीफ सैकटरी ट्वीट करती है ते कहती है, आप ट्वीट करती है कहती है कि जी सरकारी हफ्तरां दी दफ्तर जां आप हफ्तां जाण दी लोड़ नहीं, इंजैक्शन वास्ते प्राइवेट कोले जाओ जिथे तुहानू मिलूगा 1500-1500। आ चीफ सैकटरी इस करके आ सारे, मैं अज वचन दिना सारे नूं जिन्हां ने लुटिया, खास करके जिन्हां ने लोकां दीआं जानां ते खिलवाड़ किया, वह बच नहीं सकनगे, अंदर जाणगे। मैं तुहानूं इक गल करदा, मैं अज आ भी कहना, जे कैप्टन ने इहनूं दरखास्त ना किया फिर कैप्टन का घर 15 तरीक नूं घर घेरांगे। उहदे बाद फिर गवर्नर कोले भी जावांगे, ते नहीं हाई कोर्ट भी जावांगे, नहीं तो 6 महीने बाद तुहानूं पता है फिर इन्हों किसी भजन नहीं देवे। मैं तुम्हें अज दसा पंजाब की जनता इंसाफ चाहती है, इंसाफ देख के छड़ा ते जनता हूँ। मैं तुम दसा जायजा हालात पंजाब च है,
मैं ता पंजाब दे कोने कोने जाके मैं रोज पिंड 50 या 60 पिंडा च गल करदा आ जेड़े अंकड़े कानूना दे रहे है गलत दे रहे है हर पिंड जाके देखो 50 तो 100 लोग कोरोना की बीमारी दे सिकंजे जाए है डरते है सरकारी हस्पताल जान तो डरते है प्राइवेट हस्पताल जान तो अपनी जाना उन्होंने जा रही है पंजाब के कैप्टन ने सारे पंजाबियों के पिट से शराब मारिया आ जी 14,000-15,000 जाना का जुमवर कैप्टन अमरिंदर सिंह है मैं कहना चाहना है इन्ना ही कह के मैं अज अपना धरना समाप्त करते हैं तो फिर अगला प्रोग्राम जो पार्टी का होगा 15 तो पहले वो वास्ते आप तैयारी करिए वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह सारा बेनती है कि इतने लाइना ला लो शहरी अकाली जथा मोहाली के प्रधान रूपी साहब वालों कालेवाल साहब जिला देहाती दे प्रधान वालों प्रशादे का इंतजाम किया सारे प्रशादा छा के जाए इतने लाइना बना के बहुत बहुत धन्यवाद ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।